जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में इंडियन मार्केट। आज हम कुछ ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो कि हमारी पहली कंपनी का नाम है ट्रीडेंट ग्रुप। द कंपनी ऑपरेट्स द टू मेजर बिजनेस सेगमेंट टेक्सटाइल एंड पेपर विथ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन पंजाब। ये कंपनी ज़्यादातर टेक्सटाइल्स और पेपर्स के अंदर अपना काम कर रही है और इसके ज़्यादातर इसका लोकेशन पंजाब मध्य प्रदेश में है। ट्रीडेंट कस्टमर्स बेस स्पेंस ओवर मोर देन 75 कंट्रीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स एंड कंपनीज ऑफ ग्लोबल रिटेल ब्रांड्स लाइक लॉरा, सीके का नाम तो आपने सुना ही होगा, जेसी पेनी, आईकीए, टारगेट, वॉलमार्ट, मैकीज, कोल्स, सीर्स, सैम्स क्लब एटसेट्रा। ट्रीडेंट ग्रुप इज अ $1 billion इंडियन बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट एंड ग्लोबल प्लेयर। हेडक्वार्टर्स इन लुधियाना, पंजाब। ट्रीडेंट इज द लार्जेस्ट टेरी टॉवल एंड वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड विद द स्टेब्लिश ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस एंड सिस्टम कपल्ड इन द अप्रोप्रिएट ह्यूमन कैपिटल क्रीडेंशियल। ट्रीडेंट हैज फ्रीक्वेंटली रिसीव एक्लेड्स फ्रॉम इट्स पैटर्न्स एंड रिकंजेशंस फॉर डिलीवरिंग अ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड फॉर इट्स कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो अगर बात की जाए इसके एक शेयर के प्राइस की, वो है 16.70 रुपीस का, जिसने 1 week के अंदर इंटरेस्ट दिया है 3.41% और 1 year के अंदर इंटरेस्ट दिया है 135.21% का। और अगर बात की जाए इसके 3 year के रिटर्न की, जो कि 178.57 का रिटर्न दिया है, और अगर बात की जाए इसके 5 year के रिटर्न की, जो है 240.47%। अगर इसके फंडामेंटल्स देखे जाए, इसने मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रखा है 8,637 करोड़, और इसके पीबी रेशियो की बात की जाए वो है 2.60, आरओई की बात की जाए वो है 9.59%। और अगर बात की जाए इसके शेयर के हाई और लो प्राइस की, तो वो हाई है अभी 19.30 रुपीस और लो है 5.90 रुपीस। अगर बात की जाए इसके रेवेन्यू की क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में भी हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि दिसंबर 20 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 1,303 करोड़, और जो कि मार्च 21 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 1,345 करोड़। तो बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, इसने प्रमोटर्स ने 73.02% के शेयर होल्ड कर रखे हैं, रिटेल ने 25.29, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 1.68 और म्यूचुअल फंड ने 0.01%। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक की तरफ, जो कि है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इसके स्टॉक एनालाइज की बात की जाए, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1989 द कंपनी सेटअप फर्स्ट पॉलिस्टर टेक्सटराइजिंग प्लांट। द कंपनी बिकेम अ पब्लिक इन 1993 एंड वॉज लिस्टेड इन BSE एंड NSE ऑफ इंडिया विद IPO ऑफ ₹4.5 करोड़। द कंपनीज ग्रेबल आलोक इम्प्लेक्स लिमिटेड वॉज विथ आलोक इंडस्ट्री on 1 April 1996। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेस्ड ऑन मुंबई इंडिया। सर्टिफिकेट कंपनी है ये IOS की तरफ से। इट मेन बिजनेस इन्वॉल्व वीविंग, क्नाइटिंग, प्रोसेसिंग होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यार्न। इट एक्सपोर्ट 26% ऑफ इट्स प्रोडक्ट ओवर 90 कंट्रीज इन द US, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। इसका 26% का प्रोडक्ट बाहर 90 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें से आप देख सकते हैं USA, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, एशिया एंड अफ्रीका। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड JM फाइनेंशियल लिमिटेड टेक ओवर द कंपनी
आफ्टर हैविंग अक्वायर्ड इट बैंक करप्टेंसी प्रोसेडिंग इन बैंक करप्टेंसी प्रोसेडिंग। और अगर इसके शेयर के प्राइस की बात की जाए, जो कि एक शेयर का प्राइस है 28 रुपीज़ का, और इसने वन डे के अंदर आप देख सकते हैं इसने रिटर्न दिया है 17.86%, और वन वीक के अंदर इसका रिटर्न है 37.98%। और बात की जाए इसके थ्री ईयर रिटर्न की, जो है 78.82%। इसका वन ईयर का रिटर्न इतना खास नहीं था, इसलिए मैंने इसके पिक्चर शो नहीं किया। आप देख सकते हैं इसका वन ईयर का रिटर्न कितना होगा। अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल्स की, तो इसने मार्केट कैप्चर कर रखा है 12,090 करोड़ का। और इसके आरओए की बात की जाए, जो कि नॉट अवेलेबल है, पीबी रेशियो भी नहीं दे रखा, पीई रेशियो भी नहीं दे रखा है। और अगर इसके शेयर के प्राइस की हाई और लो की बात की जाए, अभी लो है इसका 18.65 और हाई है इसका 58.50 रुपीज़ का। ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर इसके अंदर अभी, मुझे लगता है अगर अभी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आगे चल के ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और इसके रेवेन्यू की बात की जाए, ये भी हमें अप ट्रेंड में ही आप देख सकते हो दिख रहा है, क्वार्टरली है ये रेवेन्यू। तो दोस्तों देखते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर्स ने इसके 75% के शेयर होल्ड कर रखे हैं, रिटेल ने 23.37% के, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 0.90%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 0.72%, म्यूचुअल फंड ने 0.01%। तो बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, जो कि है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इसकी बात की जाए स्टॉक एनालाइज की, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज अ इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ड इन बेंगलोर, विच कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 फरवरी 2017। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस होल्ड 80% स्टेक इन द बैंक। द बैंक हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस विद ओवर 59.2 लाख कस्टमर्स, 575+ बैंकिंग टच पॉइंट अक्रॉस 248 डिस्ट्रिक्ट, 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज ऑफ March 31, 2021। अवर कन्वीनियंट अल्टरनेटिव चैनल्स एंड डिजिटल फुटप्रिंट अक्रॉस इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड फोन बैंकिंग अमॉन्ग अदर्स प्रोवाइडेड 24/7 एसेस टू फुल सर्विस ऑफ द बैंक। तो अगर बात की जाए इसके एक शेयर की, जो एक शेयर का प्राइस है इसका 32.80% का है, और जिसने वन वीक के अंदर हमें इंटरेस्ट दिया है 6.84% का। और अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल्स की, जो कि इसने मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रखा है 5,755 करोड़ का, और पीई रेशियो की बात की जाए वो है 600.22, और पीबी रेशियो की बात की जाए वो है 1.79, आरओई रेशियो की बात की जाए वो है 0.27%। और इसके शेयर के प्राइस की हाई और लो की बात की जाए, तो हाई रह चुका है अभी तक 44.60 रुपीज़, और लो है 26.50 रुपीज़। तो बात करते हैं हम इसके ईयरली रेवेन्यू की, ईयरली रेवेन्यू भी इसका अभी तक अच्छा खासा ही चला है, जो कि 2020 में था 3026, और 21 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 3,117 करोड़ का। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए, जो प्रमोटर्स ने इसके 83.32% के शेयर होल्ड कर रखे, रिटेल ने 12.25% के, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 4.39%, म्यूचुअल फंड ने 0.04%। और बात करें हमारे फोर्थ स्टॉक की, जो कि है रेल विकास निगम लिमिटेड। बात करते हैं हम इसके स्टॉक एनालाइज की, रेल विकास निगम लिमिटेड इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवेज इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड बाय द रेलवेज। ये रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है जब रेलवे को रिक्वायर्ड पड़ती है। इट इज अ ऑफ शूट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रेल विकास योजना अनाउंस फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ अ रेड फोर्ट बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2002। वी वाई वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय द
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 26 दिसंबर 2002। तो आगे बढ़ते हम, अगर इसके एक शेयर की प्राइस की बात की जाए वो है 31 रुपीज़ का एक शेयर है, जिसने वन ईयर में 70.97% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल्स की, जो कि 6,557 करोड़ के इसने मार्केट कैप्चर कर रखा है। और अगर बात करें हम इसके पीई रेशियो की, वो है 7.65, पीबी रेशियो की बात करें वो है 1.28, आरओई की बात करें वो है 15.84%। और इसके शेयर के प्राइस की हाई और लो की बात की जाए वो है 17.3 रुपीज़, और इसके हाई की बात की जाए वो है 35.55 रुपीज़। अगर बात की जाए इसके रेवेन्यू की, ये ईयरली रेवेन्यू है, और इसके ईयरली रेवेन्यू में हमें भी अप ट्रेंड देखने को नज़र आया है। और अगर बात की जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, जो प्रमोटर्स ने इसके 78.21% के शेयर होल्ड कर रखे हैं, रिटेल ने 11.94%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 8.77%, म्यूचुअल फंड ने 0.66%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 0.42%। तो बात करते हैं हमारे फिफ्थ स्टॉक की, जो कि है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। तो बात करते हैं हम इसके स्टॉक एनालाइज की, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, फॉर्मली ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, इज अ इंडियन एंटिटी बिलोंग टू नेटवर्क 18 ग्रुप बेस्ड इन मुंबई। टीवी 18 ओन्स ऑपरेट्स अ वेरियस चैनल्स ऑफ NBC Universal Group from the Indian viewers, such as the CNBC TV 18, CNBC Awaaz and CNBC TV 18 Prime HD, as well as Warner Media, CNN News 18. TV 18 has also forayed into an Indian factual entertainment space through a joint venture with the AE Network and operates a History TV 18 and FY 18 in the regional space. The group operates a Gujarati business news channel, CNBC, Bazaar and Marathi Journal News. कुछ ये न्यूज़ चैनल्स बता रखे हैं ये किस जगह पे ये काम कर रहे हैं, कौन से न्यूज़ चैनल्स के साथ इसने जॉइंट वेंचर अभी किया है। तो देखते हैं, अगर हम इसके शेयर की प्राइस की बात करें तो अभी इसके एक शेयर की प्राइस है 46 रुपीज़ का, और जिसने वन वीक के अंदर हमें इंटरेस्ट दिया है 21% का, और अगर इसके वन ईयर के रिटर्न की बात की जाए तो वो है 50.82% का। ये सारे पेनी स्टॉक है, ये हाईली रिस्क और हाईली रिटर्न के साथ आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल्स की, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,126 करोड़ का, और पीई रेशियो की बात की जाए वो है 17.78, पीबी रेशियो की बात की जाए वो है 1.94, आरओए की बात की जाए वो है 11.50%। और इसके शेयर की प्राइस हाई और लो की बात की जाए, हाई इसका रह चुका है 48.95 रुपीज़, और इसका लो प्राइस रह चुका है 25.15 रुपीज़। और अगर इसके रेवेन्यू की बात की जाए क्वार्टरली, तो आप देख सकते हैं इस चार्ट को, इसने मार्च 20 के अंदर सबसे ज़्यादा अपना रेवेन्यू क्रिएट किया था मार्च 21 के कंपेरिजन में। अगर इसके प्रमोटर्स की, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए, तो प्रमोटर्स ने 60.40% के शेयर होल्ड कर रखे हैं, रिटेल ने 27.47, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 12.11%, म्यूचुअल फंड ने 0.02%। और अगर बात करें हमारे सिक्स्थ और लास्ट स्टॉक की, जो कि नाम है वक्रेंज लिमिटेड, वॉज फाउंडेड इन मरोल नाका मुंबई 1990 बाय दिनेश नडवाना चार्टेड अकाउंटेंट। थ्रू द कंपनी कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन सच एज टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी, इज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन फर्स्ट इन मेकिंग वोटर आइडेंटिटी कार्ड इन 1993 एंड सब्सिक्वेंसली एज फ्रेंचाइज फॉर मेकिंग आधार यूआईडी कार्ड इन 2010 इन जुलाई 2017 फोर्ब्स इंडिया इंक्लूडिंग द कंपनी is a super 50 list company of 2017. It had a market capitalization of more than 250 billion.
वकरेज ऑपरेट्स अ फ्रेंचाइज नेटवर्क ऑफ मोर देन 37,000 सेंटर्स नोन एज द वकरेज केंद्रस एंड 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया. दीज सेंटर्स अंडरटेक अ मिक्स ऑफ टास्क फ्रॉम वोटर आईडीज, आधार रजिस्ट्रेशन एज वेल एज वाइट लेबल ATMs. Most of the centers act as the last mile retail points at sale and are located in the rural and semi-urban and urban areas that do not have access to technology and often electricity. Also operates a e-government project with the Government of India. ये कंपनी ऑपरेट कर रही है ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर. अगर बात की जाए वकरेज लिमिटेड इज अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी बेस्ड इन मुंबई इंडिया दैट प्रोवाइड्स अ बैंकिंग इंश्योरेंस ई गवर्नेंस ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक सर्विस. द कंपनी इज वन ऑफ द मेन प्रोवाइडर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट फॉर वोटर आईडी कार्ड्स एंड आधार कार्ड्स. एज पर द फोर्ब्स the company is the largest single system integrator for all key government projects in India. As of June 2018, its largest owner include the promoter's family, the government of Singapore, Veligotten Trust Company, Life Insurance Corporation, Jagdish Chandra Bansal. इसको एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में मिला. अंडर द सेगमेंट वर्करेज डिलीवर्स आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस. दिस प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स कलेक्शन सर्विस रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, लैंड रिकॉर्ड्स, डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रल रोल्स अमॉन्ग द अदर्स. और अगर बात की जाए इसके एक शेयर के प्राइस की जो कि है 52 रुपीज़ का, और इसने वन वीक के अंदर इंटरेस्ट दिया 13% का. अगर बात की जाए इसके वन ईयर के इंटरेस्ट की वो है 44.65% अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रखा है इसने 5,011 करोड़ का. पीई रेशियो इसका 68.57, पीबी रेशियो इसका 1.90 और आरओई इसका है 2.72%. बात की जाए इसके शेयर के प्राइस की हाई और लो की, जो कि लो है इसका 24 रुपीज़, जो कि लगभग 25 रुपीज़ हम देख सकते हैं, और इसका हाई प्राइस है शेयर का 69.85 रुपीज़. और ये अभी तक बीच में ही है, ना ही ज़्यादा हाई है ना ही ज़्यादा लो है. बात की जाए इसके रेवेन्यू की, जो आप क्वार्टरली इसका रेवेन्यू देख सकते हैं, समझ गए होगे आप. शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए जो कि प्रमोटर्स ने 42.60% के शेयर होल्ड कर रखे हैं, रिटेल ने 41.37, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 9.68%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 6.32%, म्यूचुअल फंड की बात की जाए वो है 0.3% के शेयर होल्ड कर रखे हैं. तो दोस्तों धन्यवाद.